मादब के दायरे में बैठे हुए सामने के राम चैनल वाले नौजवान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पर्दे के पीछे बैठ के सुनने वाली ख्वातीन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम, चैनल के भरमार गोदाम होना चाहिए माशाल्लाह, पूरा देवघर डिस्ट्रीब्यूट के आ गया, चूंकि शायरे इंटरनेशनल आ रहा है हमें और वो शायर के यहाँ सावन मधुपुरी, ये भी अपने वक्त की एक पहचान। थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए, उनके बाद फिर शेर व शायरी का सिलसिला होगा, शायर इंटरनेशनल होगा। सद्दाम हुसैन जामी, जिनकी गुफ्तगू बहुत जामे होती है, उनकी भी खिताब आपको समाप्त करनी है। और हमारे नकीब आजम हिंदुस्तान जिनकी नकाबत मेरे बाद होगी, गुलाम हुसैन, सभी का नाम जानते हैं लेकिन नाम करने के लिए हमको नहीं बुलाया, तकरीर करने के लिए बुलाया। थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں، پڑھے اللهم صل علی سيدنا وشفیعنا حبیبنا ومولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. سیٹی کے انصار اس کو تھوڑا سا بند کیجیے، دیکھیے یہ شادی خانہ آبادی جناب مولانا وزیر صاحب قبلہ جس نے 23 یا 24 سالہ خدمت اس محلے میں دے کر کے آج اس مقام پہ ہے ماشاءاللہ، دیہاتوں سے اٹھ کے آ کے شہروں میں مکان بنا لینا، بچوں کو پڑھا لینا اور اپنی زندگی بہترین سے گزارنا، یہ سمجھ لیے کہ اللہ کی قدرت کی ایک پہچان ہے اور ان کے ایمانداری کا صلہ ہے. ساون مدھوپوری ایک ایسے صاحبزادے ان کے بڑے ہیں جو پورے ہندوستان میں ہیں، آج جو اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں نا یہ علماء کرام، وہی ساون مدھوپوری کے محبتوں کا نتیجہ ہے، جن کے قاری یونس صاحب جی 60 سال کی عمر میں اس طرح پڑھتے ہیں تو 30 سال میں کیسے پڑھتے ہوں گے آپ اندازہ کیجیے، دیکھ رہے ہیں. اور یہ نعت نبی کا صدقہ ہے کہ عمر کا پتہ نہیں چلتا کہ 60 سال ہے ان کی 35 سال کیا. یہ دیکھیے فیروز، یہ فیروز راحت رہبر، دیکھیے ماشاءاللہ ان کی آواز میں دم ہے، شعر و شاعری میں دم ہے، چہرہ بھلے ہی کمزور ہے ضرور سنگل ہے لیکن آواز میں دم ہے. بس سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں. ہم سب عاشق رسول ہیں لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ میں رسول کیا پسند فرماتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول پسند فرماتے ہیں، آج ہم لوگ کیا ہے؟ آپ لوگ سے اوپر میں بیٹھے ہم لوگ دھرم گرو، دھرم کے پرچار کرنے والے ہم لوگ، مسجد کے امام ہیں ہم لوگ، آپ لوگ کے لیے ہم لوگ سب کچھ. ہاں جی، ایک بچہ پیدا ہوگا تو امام سے آپ چھپے تب چھپے تب چھپے ہے کہ نہیں؟ عقیقہ ہو تو امام صاحب، شادی ہو تو امام صاحب، منگنی ہو تو آ کے امام صاحب خطا پتر لکھے، نکاح پڑھائے امام صاحب، جنازہ پڑھائے امام صاحب، تیجا چالیسواں امام صاحب، برسی کرے امام صاحب، تنخواہ دے سب سے کم، کام میں سب سے آگے، مسجد میں
में आ गए, मदरसा में आ गए, ईदगाह में आ गए, जनाजा में आ गए, शादी ब्याह में आ गए, हर तनख्वाह सबसे पीछे। कम बड़ी जुल्म नहीं है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सता रहा। 4,000-5,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज तो फंसिए देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मारते। 200 हाजरी 24 घंटा ड्यूटी, कोलियरी में 8 घंटा, रेल में 8 घंटा, स्कूल में 8 घंटा, बैंक में 8 घंटा, ये माला लोग के लिए 24 घंटा जबरदस्ती का है। ये कौन कानून है? ये कानून कौन बनाया? ये बेगरिया क्या? ये 24 घंटा ड्यूटी करवा के 200 हाजरी, एक और रोगा हाँ फोक्सा हाँ टीबिया हाँ ये बनाया। अरे एक कुंडल के मोलो नाम दिए, इतना मोट मोल भी हैं दिते ये देश वाले। अरे को रोगा हाल है, जो कलाई नहीं का पता है वो लगा 300। ये हक तलफी है कि नहीं हजरत? सदा सिक्योरिटी को कयामत के दिन खड़ा किया जाए, पूछा जाएगा कि ये हक तलफी हक मार के तुम क्यों आए? इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह 10,000 से कम दोगे तो बहुत कम दे रहे हो। यकतलफी है, कम से कम 300 रुपए हाजिरी का है दीजिएगा 24 घंटा। हाय मदरसा बंद है, मस्जिद लोग बंद कर दे रहा है, लॉकडाउन लगा, पहले मस्जिद में ताला, पूरे दिन भर मालूम रहते थे लॉकडाउन में, नहीं लगता था पुलिस आएगी, मस्जिद घुसते थे लाग ले आएगी मस्जिद खुल से, अरे लगता था पुलिस आ गई, पंखा घूमता था लगता गाड़ियां घूम रही, इतना दिमाग सुन कर दिया था। लेकिन ये आलिम उलमा बचा कर सब लोग घर में सोते, आलिम मस्जिद में रहते और आपके मोहल्ले के मस्जिद को आबाद करते। कल मैदान नाशर में यही मस्जिद रब की बारगाह में शफा करे। देखिए मुकरीर को भी छूट मिल रहा है, ये कामयाबी की दलील है। हमरा यहाँ रखे थे इमाम वजीर साहब की मोहब्बत है, जिसने अपनी बेटी की शादी और बेटा की शादी पूरे इलाके में, मधुपुर इलाके में सीधा सबका मौलाना इतना नहीं रहना चाहिए। यते सीधा मौलवी नहीं है कि अरे रहो सीधा, यते सीधा का 23-24 साल जिंदगी कर, आज तक कुछ शिकायत है? आज तक कुछ शिकायत है? दुनिया कोई जले कुछ भी करे, लेकिन रिस्क और मौत और हयात ये कुदरत की है। आपकी किस्मत में जो दाना है, जो रिस्क है, वो आके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेहनत कोशिश कीजिए। आज के नौजवान इन लड़कों को कहो कोशिश करता है, मोबाइल खोल के रात भर फ्री फायर पॉप, तरक्की करेगा ये लोग? देख 5 टका मुंह में गुटका, दिल में खुटका, 15,000 के लेक बैठा ले, तबाह है नौजवान। स्कूल छोड़ा, मकतब छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, स्कूल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मोबाइल पकड़ा, रोड में बैठता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात फ्री फायर खेल रहा, पॉप जी। अरे गिरिडीह जा रहे थे एक मर्तबा, हमारे गांव में घुसे मोटरसाइकिल में थे, उन्हें ग्रिड नहीं थे, यही मोदी का समीर बाबू कहां बैठा, समीर था गाड़ी चला रहा था, ठीक चला गोलाम ठीक घुसे और 10 बार लगा पीड़ काम बैठ के इसी तरह पीड़ा बैठा था, ऐसा मोबाइल खोल करके मार मार, दो बंदा निकला, दो बंदा मार 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 मार, हम लोग दो को गाड़ी में थे, गले मारा है, दो ही आदमी थे गाड़ी मार, वो लोग वही कह रहा था, दो बंदा निकला, निकला दो बंदा और हम लोग बोले हम तीन निकल रहे थे, अरे वो लोग उसी टाइम कह रहा था मलबर मार 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 मार, दो बंदा के लिए रोक रोक मर गए, हम बोले गाड़ी रोको रे ये मार देगा, हम बोले हां बेटा तुम लोग काहे मार रहे थे मौला मौलवी को, बोले हजरत आपको नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मराम भी कर रहे हैं, बोला के उसी, हम बोले हाँ बेटा तुम लोग काहे क्या मारना चाह रहा, हम लोग काहे मारेगा, बोले हजरत आपको नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, हम लोग बोले हाँ बेटा तुम लोग माँ बाप हैं, टूअर हैं, यतीम हैं, गुलगुलिया हैं, ये
और रास्ता में इतनी रात तक क्यों मरते हो? काश तेरे बाप माँ अगर पढ़ा दिया होता तो मोबाइल में पबजी नहीं खेलता, बल्कि कुरान और किताब लेके जब चलता तो गुलामे रसूल नजर आता, गलियों में घूमता तो गुलामे गौस नजर आता, महलों में होता गुलामे ख्वाजा नजर आता, और दुनिया से जाता तो आशिके मुस्तफा नजर आता। अरे पढ़ाओ पहले, पहले पढ़ाओ तब बेटा शादी ब्याह। क्या पढ़ाना लिखना साढ़े बाईस शादी टाइम आ गई, टाइम जो ही आया शादी होने वाली, अभी वक्त अभी बाकी है कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में बेटा बेच रहे। बताओ बेटा बेच बेच के कब तक खाओ? पहले लोग बैल बेचता था, बकरी बेचता था, दुकान में फल बेचता था, घर में बेटा बेच रहा था। 1 लाख 1.5 लाख नगद साथ में डिस्कोवर, हर बेटा है बगैर कोवर, बेटा हम कोई कोवर डिस्कोवर, कसम खुदा दिमाग में गोबर गजब माहौल। क्या माहौल तहारा साहब हमारे माशाल्लाह तुम उम्र में अच्छी पहचान रखते हैं। क्या अभी मसा चला रहे थे, अभी तो लॉकडाउन में सब मसा बंद है, लड़का लोग छोटा छोटा बच्चा पूछते हैं बाबू मसा कब खुलेगा, बोल लॉकडाउन और कितना दिन रहेगा, बोलो नहीं कदा खुलेगा। तो ये लॉकडाउन में अभी देखिए आज झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब दुकानें 8 बजे रात तक खुली रहेगी, कल सुबह से 1 बजे तारीख से 8 बजे तक दुकानें रात में खुली, दिन में दुकानें खुली रहेगी, मॉल वगैरह सब खुलेगा, लेकिन बस उसमें चलेगी अपने राज्य में, लेकिन धर्म स्थल जो है वो बंद रहेगा, जुलूस पे पाबंदी रहेगी, और शिक्षक संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगा। पता नहीं तमाम कोरोना स्कूल में जाते हैं, यही समझ में नहीं आती है, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, पढ़ने ही नहीं दे रहा तो बढ़ेगा कहाँ, शिक्षा बन तालीम बन सब कुछ, इसी लड़का लो आवारा बन गया। आज शादी भी हम देखे डीजे 15,000 का लाके बजाएगा, 15,000 का डीजे, और जो दूल्हा बना है जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है, लाज शर्म है कि नहीं? 15,000 का डीजे, 4,500-5,000 का शेरवानी, और वो हुब्बा वो जुब्बा वो पगड़ी इतना इतर लगा के दूल्हा को निकालता है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के 1.5 लाख 2 लाख का दूल्हा, 15-20 गाड़ी सवार, और मस्जिद के इमाम साहब काफी तहारत को बुला करके मिला करवा करके 100 रुपया बंद कर उधारा रख लेता, नहीं देता। इमाम साहब सूत ने बयान बन कर वो सूत, इमाम साहब सूतो लेते सुबह नहीं उधार से देगा आदमी नहीं देता, हजरत सबको पैसा देगा इमाम को नहीं, फतिया यहां करो मरवा करो डालम करो मूड में करो लेकिन पैसा मत, सब फतिया करवा जय सूतिन बाप है सूतिन, हम जानते हैं कौन अब सूतो ले, ये हक तल्फी है। शुक्रिया मनाइए कि हम लोग को कोई ऑफिस कार्यालय नहीं है, हम लोग में कोई यूनियन नहीं है, वरना का आली मॉल में की यूनियन ऑफिस कार्यालय हो जाता है, अगर हम लोग हड़ताल में जिस दिन बैठ जाएंगे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। 7 महीना से किसान बैठा नहीं हिला है ना, हम लोग 1 महीना बैठ जाएंगे 1 हफ्ता तो पूरे हिंदुस्तान हिल जाएंगे। कितना जनाजा सुखा सुखा पड़ा रहे कौन बेटा तो सुपर स्टार है लेकिन नियत मिट्टी देने की नियत याद नहीं तो दुआएं जनाजा कर देखिएगा जब मैयत कोई मर जाता है हजरत मेरा अब्बू है ना उसका कपड़ा ले लीजिए लुंगी ले लीजिए ये सामान ले लीजिए एक जगह बोला हजरत सामान उमान बाप का जो इस्तेमाल किया वो सामान क्या करें सब दे देंगे हम बोले पहले मोबाइलवा दीजिए पहले टीवी या घड़ी दीजिए उसके बाद कपड़वा निकाल कपड़ा हमको देगा टीवी तुम रखेगा मोबाइल तुम रखेगा पहले मोबाइल तो बाप का गाड़ी तब कपड़ा कपड़वा नहीं मोबाइल नहीं छुआता गाड़ी नहीं छुआएगी ये कपड़वा छुआएगा पैसवा दे दो बैंक बैलेंस दे दो एटीएम से नहीं देगा खाली हमसे दुआ कर। इसलिए पहले बेटों को पढ़ाओ शहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताए
कुरान में पढ़ो कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। पढ़ो कुरान पढ़ो। आज पढ़ना छोड़ दिया है तो तुझको गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आतंकवाद से जोड़ रहा है, बहुत सारे तरीकों से इस्लाम को जोड़ रहा है, लेकिन मजहब इस्लाम कल भी पाक था, आज भी पाक है, सुबह कयामत तक पाक रहेगा। इस्लाम को आतंकवाद से कोई सरोकार नहीं है। आतंकवादी इस्लामी नहीं हो सकता, और जो इस्लामी होगा वह आतंकवादी नहीं हो सकता। जोड़ जोड़ करके हमको तबाह कर दिया है, क्योंकि हमने कभी अपने धर्म को फॉलो नहीं किया, मजहब को फॉलो नहीं किया, हम गलत चीजों को फॉलो करते हैं। हम कभी इस्लामी कानून से नहीं जुड़ते, दूसरे का मैसेज भेजा हुआ पढ़ते हैं। रब ने 30 बार तेरे नाम जो मैसेज भेजा कुरान के शक्ल में, उस रब के भेजे हुए मैसेज को कब पढ़ोगे? उस मैसेज को पढ़ोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। उस मैसेज को नहीं पढ़ेगा में, कभी कभी रब का भेजा हुआ कुरान उस मैसेज को पढ़ो, दिल में जो जंग है वो खत्म हो जाए। शादी ब्याह के मौके पे फजूल खर्ची करते हो, इन फजूल खर्चियों को भी बंद कीजिए, उन पैसों को बचा करके फंड में रखिए, काम देगा, बहुत भयानक वक्त आने वाला है तेरे लिए। क्यों फजूल खर्ची करते हो? देखिएगा 2 किलोमीटर तक लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के छोड़ दिया, जबरदस्ती के पैसा फजूल खर्च। उधर से जब बेटा बेटा वाला बराती बन के आ रहा है, वो नाच गाना डीजे बजा, वो लाइट भी पड़का, लगता समझी नहीं आतंकवादी आ रहा है, लगता गुंडा कर दिया, किसी मायने में नहीं लगता शादी करने आ रहा है। नौजवान अलग नाच रहा है, डीजे अलग बज रहा है, पड़ाका अलग फूट रहा है, लगता ये लूटने जा रहा है। ये क्या तरीका इस्लाम का है? सादगी में से बराती आई है, देखिए सुन्नत भी अदा हो जाएगी, बरकत भी पैदा होगी। हम लोग मना करते हैं, हम लोग जब मना करते हैं, धार्मिक प्रचारक है तो हम लोग की बात कभी मानिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आलिम उलमा पढ़े लिखे, हम लोग समझा रहे हैं कि फजूल खर्ची बंद करो, नाच गाना बंद करो, डीजे डांस बंद करो, शादी में शादी करो। उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा गुलाम हुसैन पैदा होगा, कल गौसे आजम, पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा से नमाज पढ़ती थी, उसी मुसल्ले में बैठ के कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज करता। और जब दुनिया में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो 17 या 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा। आज की माए टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, तो उनके नस्लों में गुलामे गौस नहीं पैदा होता, गुलामे डीजे, गुलामे फ्री फायर, पबजी पैदा। कल की माए कुरान पढ़ती थी तो बेटा गुलामे गौस पैदा, गुलामे ख्वाजा पैदा होता था। इसलिए लोगों अपने बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, ताकि जब वो ससुराल जाएगी, गरीब की झोपड़ी में जाएगी, जन्नत का नमूना नजर आया। माशाल्लाह गर्मी भी काफी है, और कल भी बराती की शक्ल में जा रहा है। मौलाना वजीर साहब कह रहे थे बहुत हाथ पांव दुख रहा है, हम बोले हजरत ये मोहब्बत है कि आप शहर में रह करके इतने शानदार जानदार खुशनुमा रंग में होकर के भी आप शादी ब्याह का अंजाम दे रहे हैं। एक आलिम, एक मौलवी नुमा आदमी, एक इमामत करने वाले, घर मकान भी माशाल्लाह अच्छा बना लिए, ये बरकतों का नतीजा है। इनके बेटे सावन मधुपुरी जो नाते रसूल पढ़ पढ़ करके इसने आज अपने घर को खुशहाल कर दिया। लिहाजा अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, जहां पढ़ेंगे वहीं बढ़ेंगे। हमने स्कूल भी छोड़ दिया, कॉलेज मकतब सब छोड़ दिया, मेरा बेटा आवारा बन गया है, लूडो खेल रहा है मोबाइल पे, तुम चुपचाप हो, गेम खेल रहा है, तुम बैठे हुए हो, बाल का कटिंग अजब है, अजब कटिंग, ये कटिंग ना कहां से आया ये पता चलता है, अजब की बात, सुन्नत से दूर है। लड़का लोग का स्टाइल देखो, पेंट कटा इधर फटा, अंदर से पेंट सटा, ये कब तक चलेगा बेटा?
सुनने से दूर है, कोई मतलब है नहीं। अच्छा कहीं कहीं तो पीने भी लगा, शराब पीने वालों एक बात सुन लो। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, एक कतरा शराब समंदर में गिर जाए, समंदर का पानी सूख जाए, वहां पे घास उग जाए, मौला अली फरमाते अपने घोड़े को उस घास में चरने नहीं देंगे। जिस समंदर में शराब का कतरा गिरा हो, आप अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, तो रसूल क्या पसंद फरमाते हैं गौर करना, उसको तुम पसंद करोगे, तुम आशिक रसूल बन जाओ। क्या रसूल ने शराब पसंद फरमाया? नहीं। हम क्यों पसंद करें? रसूल ने नाच गाना पसंद किया? नहीं। हम क्यों पसंद करें? रसूल ने डीजे डांस पसंद किया? नहीं। तो हम क्यों पसंद करें? रसूल ने शादियों में फजूल खर्ची पसंद किया? नहीं। तो हम क्यों पसंद करें? तिलक डेढ़ लाख दो लाख मांगना पसंद किया इस्लाम में? नहीं। तो फिर हम क्यों मांगे? तो जो रसूल जिस चीज से पसंद फरमा ले उनको आप पसंद करेंगे, आप आशिक रसूल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। वक्त दामन गिर नहीं, वक्त गर्दन गिर। हबीबुल्लाह फैजी नहीं पढ़े, सद्दाम हुसैन की तकरीर होनी, क्या बेटा प्रोग्राम कामयाब है? माशाल्लाह आज मेरी गुफ्तगू भी माशाल्लाह हट क्या हो गई? क्या फिर जब जिंदगी सलामत, मैं तो मधुपुर ही में रहता हूँ ज्यादातर, ऐसे रहने वाले मैं कर्मठान विद्या सागर का रहने वाला, इस मोहल्ले में सब मुझको जानता है। YouTube में मेरी बहुत सारी तकरीरें सुन लीजिएगा, मौलाना सीधे से झारखंडी सर्च कीजिए या झारखंडी बाबा सर्च कीजिएगा या झारखंडी मौलाना कीजिएगा, पूरी जहेज की तकरीर, इसलिए मुआशरा की गुफ्तगू, नौजवान पर गुफ्तगू मेरी बहुत ज्यादा है। चैनल वाला भी चाहता है कि झारखंडी की तकरीर नोट करे, ज्यादा व्यूज भी आता है। तो कुल मिलाकर के माशाल्लाह, मेरा नंबर भी YouTube में 9939103535 दिया हुआ है। इजी नंबर हजरत 9939103535, कोई भी लिख के कॉल करो, जब भी बुलावा आ जाएंगे। लेकिन हम लोग मधुपुर का दस्तूर है, प्रोग्राम करने के बाद मगरिब के मौला पता लगा था, केगो मौला कह रहे एक दो बार फोन कर दूं, लगता है रोड में सुतल। मगरिब के टाइम में पता लग रहा, केगो मौला बोल ले, बस दुगो बोल, आज दुगो बोल दे, अल्लाह तो बजरंग सुत रहे, ठीक चले। कम से कम फोन करो तो एक घंटा पहले, सावन को देखो डेढ़ महीना दो महीना भी मुहर्रम में जलसा पड़ेगा, अभी भूख है। अभी फोन आया सीमान से, 15,000 में जलसा लिखा, मैंने बोला क्या इतना काम मांग रहा, बोल लॉकडाउन है हजरत, अपनी गाड़ी से जाएंगे कैसे क्या करेंगे, ये हाल। अभी पर 3-4 दिन के बाद फिर ये बुरी कहानी निकलेगा, इधर भद्रक तरफ निकल। तो कुल मिला करके आज इन्हीं का नतीजा है कि पूरे देखिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बस किस्मत समय से पहले, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस मेहनत करो। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक तमाम धर्मों में, तमाम दिनों में, तमाम मजहबों में, तमाम धर्मों में सबसे बेहतर, उम्दा, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत अल्लाह के नैतिक मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तुझे से चाहता अफसोस वाले न रहे। पूरा मजमा मेरे साथ, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से मिलके सब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।